देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आबू रोड मानपुर हवाई पट्टे से शुरू हो सकती है नियमित हवाई सेवाएं। आबू रोड माउंट आबू समेत सिरोही के लोगों के लिए खुशखबरी है। नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय की उड़ान योजना के तहत जल्द ही आबू रोड के मानपुर एयर स्ट्रिप से हवाई यातायात शुरू हो सकता है, जिसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी दो दिवसीय दौरे पर सिरोही पहुंचे। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, पीआरओ बीके कोमल और सिरोही सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा ने उनसे मुलाकात की। जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल ने इसकी सिफारिश करते हुए कहा कि इससे ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आने वाले लाखों लोगों के लिए आना जाना आसान होगा। केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने आश्वासन दिलाया कि इसके लिए वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बात कर प्रयास करेंगे। मुलाकात में बीके मृत्युंजय ने संस्था के ग्राम विकास प्रभाग की गतिविधियों से उन्हें अवगत कराया और उन्हें आत्मनिर्भर किसान अभियान की लॉन्चिंग के लिए आमंत्रित किया। आपको बता दें कि आबू रोड मानपुर हवाई पट्टी पर अब तक केवल चार्टर्ड प्लेन ही उतरते हैं, यहाँ नियमित हवाई सेवाएं नहीं हैं। ऐसे में अगर यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू होती हैं, तो जालौर सिरोही गुजरात के अंबाजी माउंट आबू और आबू रोड के लोगों के लिए यातायात सुगम हो जाएगा, जिसका फायदा यहाँ के पर्यटन और स्थानीय व्यवसायियों को मिलेगा। 3D हेल्थ केयर कार्यक्रम के जरिए हृदय रोगियों का इलाज। गलत खानपान और अनियमित दिनचर्या के कारण आज तेजी से लोगों में हृदय रोग बढ़ रहा है, इसलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। ये बात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता ने मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम में 3D हेल्थ केयर कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कही। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी समेत अनेक विशिष्ट सदस्यों ने किया। आपको बता दें कि यह कैट कार्यक्रम 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें भोजन, डाइट, एक्सरसाइज तथा मेडिटेशन और मेडिसिन आदि का सही उपयोग करना बताया जाएगा। मुंबई के मुलुंड में ब्रह्मा कुमारीज मुलुंड सब जोन ने निर्मल लाइफस्टाइल एक महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस प्ले कम लर्न टूर्नामेंट को टर्फ वन में रखा गया, जो कि अमृत महोत्सव अभियान के तहत आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य महिलाओं को प्रोत्साहित करना और उनकी नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति करना रहा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कैंडल लाइटनिंग और मशाल जलाकर किया गया। इस अवसर पर 6 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बीके हर्ष ने ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय दिया और कहा कि खेल की तरह जीवन में भी असफलता को सफलता में राजयोग से बदल सकते हैं। वहीं भांडुप सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाजवंती ने अतिथियों का स्वागत किया। टूर्नामेंट के दौरान मुलुंड उपक्षेत्र संचालिका बीके गोदावरी, बीके जयश्री और बीके सरला ने भी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र जैन रहे, तो इस अवसर पर वंदे मातरम डिग्री कॉलेज डोंबिवली पश्चिम के प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार कोल्हे भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता ममता प्रभु, कबड्डी शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता विजय शैला राणे भी मौजूद रही। टूर्नामेंट के अंत में सभी विजेताओं को ट्रॉफी दी गयी। खुशी जीवन की सर्वश्रेष्ठ औषधि है और इसी खुशी को बढ़ाने के लिए राजकोट के राजनगर सेवा केंद्र के द्वारा चिकित्सकों और उनके परिवार वालों के लिए हैप कैफे का आयोजन किया गया, जिसमें कई चिकित्सकों ने परिवार वालों के साथ कार्यक्रम का लाभ लिया। इस दौरान सभी ने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर आपस में चर्चा की, जिसमें आंतरिक बीमारी जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, कंपैरिजन, जल्दबाजी आदि को डायग्नोज कैसे करें और उसका समाधान क्या है व राज्यों कैसे मदद करता है, उस पर सभी ने अपने विचार रखे। अंत में वैल्यू गेम्स, कसरत आदि का सभी ने आनंद लिया और राजयोग से सुख शांति की अनुभूति करी। इसके साथ ही गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती ने सभी को ईश्वरी सौगात भेंट की।
बिलासपुर के टिकरापारा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिलासपुर के द्वारा सीएमडी महाविद्यालय में फिट बिलासपुर रन हाफ मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टिकरापारा के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया। इस दौरान 5, 10 व 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन प्रतियोगिता रखी गई थी, साथ ही सभी के लिए जुम्बा वार्म अप एक्सरसाइज रखा गया था। मौके पर सभी प्रतिभागियों को मेडल व सर्टिफिकेट प्रदान किए गए व ब्रह्मा कुमारी समेत सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यह स्मृति चिन्ह सांसद अरुण साव द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम में अटल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एडीएन वाजपेयी एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित रहे। अहमदनगर के पिंपरी निर्मल में ब्रह्मा कुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सरपंच एवं किसानों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुनंदा ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शाश्वत यौगिक खेती की जानकारी दी। इसके साथ ही सरपंचों को ईश्वरी सौगात भेंट किया। इस दौरान अन्य बीके सदस्यों ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए राज्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान भी किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मधुबनी न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।